समय की बड़ी खबर तेज नजर। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के श्याम नगर क्षेत्र स्थित मुरली हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, जहां के संचालक डॉक्टर रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि बीते कुछ दिनों पहले एक बीमार महिला इलाज के लिए भर्ती हुई, जिसका इलाज होने के बाद महिला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी डॉक्टर द्वारा किया जा चुका था, लेकिन कैरियर ड्रेसिंग के लिए महिला और उसका पति दोबारा मुरली हॉस्पिटल में आए, और ड्रेसिंग होने के बाद जब स्टाफ नर्स ने पैसे मांगे तो महिला का पति डॉक्टर के केबिन में जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हॉस्पिटल बंद कराने की धमकी देकर चला गया। जबकि डॉक्टर के मुताबिक महिला का इलाज 23,000 रुपए का हुआ, लेकिन महिला के पति ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि मुरली हॉस्पिटल ने 2.5 लाख रुपए लिए हैं। लेकिन अब तथाकथित पत्रकारों की सह एवं वकील के बहकावे पर डॉक्टर से 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है, न देने पर हॉस्पिटल को बंद कराने की धमकी दी है। महिला के पति का कहना है कि महिला मरे या जी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। मेरे एक पार्टनर हैं रितेश श्रीवास्तव जी, मेरे यहाँ पिछले 6/11/2010 को एक मरीज भर्ती हुआ था जिसका नाम सुदामा था, और जिसको प्रॉब्लम ये थी कि जो है शरीर में दर्द था, ग्राइन पेन था, पेट में दर्द, उल्टियाँ और मानसिक तनाव से ग्रसित था। वो पेशेंट जो है ना 6 को भर्ती हुआ, फिर उसका कदम डॉक्टर फरीद के नेतृत्व में उसका ट्रीटमेंट किया गया और मरीज स्वस्थ हो गया, डिस्चार्ज हो गया। वही 16 तारीख को डिस्चार्ज हुआ। इस दौरान जो है ना उसने जो है ना मतलब ये कहा कि भाई मरीज स्वस्थ हो गया हो गए और चला गया। फिर वही कहीं 21/11/2022 को मरीज अपने फिर भर्ती होने के लिए आया, और मैंने देखा तो उसको ओडिमा था शरीर में सूजन गई, और मैंने कहा कि भाई जिस डॉक्टर ने देखा यहाँ तो ऐसा करो आप क्लिनिक में दिखा दो। क्लिनिक गया, वहाँ से डॉक्टर ने फोन दिया कि भाई इसको थोड़ी दिक्कत है और ये इंजेक्शन इसको भी चलेंगे, तो उसको फिर भर्ती किया गया और करीबन 3-4 दिन भर्ती रहा। मरीज करीबन 21 को भर्ती हुआ और 24 तक भर्ती रहा। उसके बाद मरीज डिस्चार्ज हो गया, स्वस्थ हो गया, चला गया वो। और करीबन 10-12 दिन बाद वही 6/11/2012 को आया वो, और कहने लगा कि जो है ना मेरे मरीज को पैर में दिक्कत है, ड्रेसिंग कर दो। ड्रेसिंग के लिए जब 100 रुपये चार्ज मांगेंगे तो मरीज ने देने से मना कर दिया, जिसका नाम दूधनाथ है, जो उसका पति है दामा का, उसने मना कर दिया। यहाँ गाली गलौज की, अभद्रतापूर्वक बातें करने लगे और कहा मैं तुम्हारा अस्पताल बंद करा दूँगा, देख लूँगा, ये है वो, दुनिया भर की बातें की उसने जो है ना, और चला गया। वही करीबन 9/11/2022 को कुछ पत्रकारों साथियों के साथ आया, यहाँ पर जो है ना धमकी दी, बात करने लगा कि जो है ना मैंने ये किया है वो किया है तुम्हारे मरीज, यहाँ हमारे मरीज का पीहो लगने से इन्फेक्शन हुआ पैर में। मैंने मोस्ट डिटेल्स उसने बताई, और जो है ना पत्रकार अब प्रेशर देने लगे, दवा देने लगे, तुम्हारा पैसा हम तुम्हारा दिलवाएंगे, ये है वो है। उनके द्वारा हमें जब जानकारी हुई, उन्होंने वीडियो क्लिप बनाए, कुछ पेपरबाजी की जो है ना, जो कि उन्होंने डिमांड की, करीब मेरा जो सुदामा है उसने कहा कि मेरा 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है और करीब 50,000 रुपए की और मांग कर रहे हैं, 2 लाख रुपए हमने दिया, 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है, इसका कोई तर्क नहीं है उसके पास। मैंने कहा अगर कोई एविडेंस है तो दिखाइए, आप जो है ना एविडेंस दिखाया ही, और पत्रकार बंधु जो है ना
अपने हिसाब से उन्होंने